मेरा नाम रोशन है और मैं पिछले 2 साल से ट्रैवल कर रहा हूँ। आई एम अ ट्रैवलर। मुझे पसंद है नई नई प्लेसेस को एक्सप्लोर करना, लोगों से मिलना, बातें करना। लेकिन मैं अभी जा कहाँ रहा हूँ? जब मैं छोटा बच्चा था, क्लास 2 के जीके बुक में मैंने एक नाम सुना, कल्पना चावला, द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू गो इनटू स्पेस। वाओ। उसके बाद से कल्पना चावला की लाइफ को समझने की रुचि और बढ़ गई। कल्पना चावला, बचपन से ही उसे उड़ने का बहुत शौक था। 6, 5, 4, 3, 2, 1। कल्पना चावला ने जो कल्पना किया था वो सच हुआ। लेकिन ये कहानी स्टार्ट कहाँ से होती है? 17 मार्च 1962 हरियाणा के करनाल शहर में कल्पना चावला का जन्म हुआ और मैं पहुंच गया करनाल। यहाँ से जाएंगे बाहर, क्योंकि बहुत गर्मी भाई, बहुत गर्मी है भाई। मेरे लिए ये एक अनजान शहर था। मुझे कल्पना के घर का एड्रेस नहीं मालूम था, बस मेरे पास ये किताब था। भैया आप जानते हैं क्या एड्रेस कल्पना चावला का? इनका एड्रेस पता है? ये मतलब करनाल की है ये। अच्छा, हम पहुंच चुके हैं करनाल और यहाँ पे एड्रेस मिल नहीं रहा है हमारी कल्पना चावला का। तो लोगों से पूछते हैं और पता करते हैं कहाँ है इनका घर, और इनके पापा से अगर मिल सकूँ या फिर कोई भी इनका परिवार मेंबर जो मिल जाए घर पे, उनसे बात करूँगा। और कल्पना चावला पता है कौन थी आपको? अच्छा, वो नहीं पता। थोड़े ही देर बाद अंकल को याद आया। उन्होंने बताया कि उनको एड्रेस तो नहीं मालूम है, लेकिन उन्होंने कहाँ से पढ़ाई किया था ये मालूम है। टैगोर बाल निकेतन स्कूल। कहाँ है स्कूल? टैगोर स्कूल 6 सेक्टर में। अच्छा, जो जो मतलब स्पेस में गई थी, अंतरिक्ष में गई थी, वो जिनका देहांत हो गया था आते हुए। और फिर हम निकल जाते हैं टैगोर स्कूल के लिए। लिखा चीज़ है भाई, कैमरा है सर, इसकी भी डाल दे भाई। रिक्शे की डाल भाई, रिक्शे वालों का रेट 20 रुपये होना चाहिए भाई। और 20 से भाई कब चल रहा है आदेश, 10 में लेके जाते हैं। अम्बेडकर चौक, और यहाँ से कुछ जानकारी लेंगे, उसके बाद यहाँ से निकलेंगे हम लोग। ओह माय गॉड, कल्पना चावला यार, वाह कल्पना चावला। करनाल के बहुत सारे दीवारों पे कल्पना चावला के बड़े बड़े पोस्टर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। देश की बेटी, क्या शान है, पूरा पूरा साफ बनाया भाई, दिख रहा है पूरा एक्यूरेट फेस, कपड़े, आँख, और इतना बड़ा बनाया है, मतलब वो भी इतना क्लियर, कमाल है यार। पता नहीं लोग इनके बारे में बात क्यों नहीं करते हैं। आज फर्स्ट वुमेन इंडियन एस्ट्रोनॉट है जो स्पेस में गई थी, लोगों को याद नहीं रखते हैं, पता नहीं क्यों। कल्पना का ये हंसता हुआ चेहरा देखकर मैं उसे देखता ही रह गया। कमाल है। जो हम फाइंड करने लगे उसकी पहली कड़ी मिल चुकी है। हाँ, तो हम लोग अभी उन्हीं गलियों में हैं जहाँ पे बचपन में कल्पना चावला घूमा करती थी, और आगे ही स्कूल है, टैगोर बाल निकेतन स्कूल, जहाँ से उन्होंने पढ़ाई किया था। चलते हैं यार, आई एम सो एक्साइटेड। और यहाँ पे आ गया है टैगोर बाल निकेतन स्कूल, विच वॉज ओनली 1 किलोमीटर अवे फ्रॉम द हाउस। मतलब उनका घर बस 1 किलोमीटर ही, हम लोग आस पास में ही है, क्या पता हम लोग आस पास से गुजरे हों, है ना। वाह यार, बहुत गर्मी है। टैगोर बाल निकेतन पब्लिक स्कूल, और यही वो स्कूल है जहाँ से हमारी देश की शान कल्पना चावला ने पढ़ाई किया था बचपन में। और वाह, फाइनली बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, फाइनली यार हम स्कूल आ चुके हैं, और ये विजिटर कार्ड मिल चुका है हमें। तो अभी क्या है ना, अभी सर यहाँ पे है नहीं, बाहर गए हुए हैं जो यहाँ के प्रिंसिपल हैं, तो जब आएंगे तो उनसे बोला है कि मिलवा देंगे। लेट्स सी, मिसेस पुष्पा रहेजा, जो उनको लोग बोलते थे बड़ी दीदी, पता नहीं वो हैं अभी यहाँ पे या नहीं है, बट विल ट्राई टू नो, पता करेंगे कि वो यहाँ पे हैं भी या नहीं, बड़ी दीदी।
तो फाइनली अब हम लोग मिलने वाले हैं जो यहाँ के डायरेक्टर हैं रहेजा, आरएम रहेजा, जिन्होंने यहाँ पे इस शो का स्थापना किया था, जो उनका नाम यहाँ पे पुष्पा है, पुष्पा लिखा हुआ है, पुष्पा रहेजा, बट वो आई थिंक ये नाम गलत है, लोग ऐसा बोल रहे हैं, तो अभी इनके कुछ लगते हैं आई थिंक पोते होंगे ना, पोते या बेटे होंगे, उनसे मिलने वाले हम लोग अभी, जिन्होंने ये स्कूल स्टार्ट किया था टैगोर स्कूल। She passed out from the school before you and I were even born, actually. To yeah. She passed out in 1976, I think. No. No. 2003. She passed from the school. Okay. School. She passed from the school in 1976. School mein 1976. Okay. But I'm not very sure. But I think what I know, 1976, because after that she did her engineering from Punjab University. Yeah. That was in 81-82. So. Aeronautical. Aeronautical. Yeah. करण सर ने बताया कि जिन्होंने स्कूल स्टार्ट किया था उनका नाम था विमला रहेजा, ऑथर ने गलती से पुष्पा रहेजा लिख दिया। विमला रहेजा ये आप उनके ग्रैंड नेफ्यू हैं इनके, इनका नाम करण रहेजा है, सो अभी इनसे बात हो रही है। सो सर आई जस्ट नीड योर ऑटोग्राफ टाइप का। यू वांट माय ऑटोग्राफ? या एनीवेयर ओवर हियर? या कहीं भी चलेगा। करण सर से हमने कल्पना चावला के घर के एड्रेस के बारे में पूछा। उनके फादर यहाँ होते थे, आई एम नॉट श्योर अब अभी, ही यूज्ड टू कीप कमिंग एंड गोइंग, आई विल फाइंड आउट। फैमिली मेंबर जो भी फैमिली मेंबर वगैरह हैं, फैमिली मेंबर जो भी हैं, आई एम नॉट श्योर अगर अभी है या नहीं है, बिकॉज उनके ब्रदर वो जो थे वो दिल्ली में है सारे, तो वो वहाँ शिफ्ट हो गए हैं, एंड टू बी ऑनेस्ट वी आर नॉट इन टच विद देम, बट लेट मी फाइंड आउट अगर अभी भी कोई आते हैं नहीं आते हैं। करण सर से बात करके बहुत ही अच्छा लगा, उनका बिहेवियर, उनका डाउन टू अर्थ नेचर और उनके बात करने का तरीका। सो यहाँ पे एक हॉल है जो कल्पना चावला के नाम से बना हुआ है, वहाँ पे जो भी उनके फोटोज वगैरह हैं स्कूल में, तुम लोग वहाँ जा रहे देखने के लिए, सर बोले जाके देख लो एक बार, काम आ जाएगा ब्लॉग के लिए। कैसी याद आ गई, क्या स्कूल था, वाओ, द होल यूनिवर्स इज माई नेटिव लैंड, वाओ, दिस इज आवर हीरो कंट्रीज प्राइड कल्पना चावला, गाइज आई एम सो हैप्पी। स्कूल वालों ने एक पूरा हॉल ही कल्पना चावला के नाम पे ही बना दिया, एक म्यूजियम टाइप का। सो गाइस लंच ब्रेक हो चुका है यहाँ पे, मुझे अपना बचपन याद आ गया भाई, 10 साल पहले, वाओ। सो फाइनली हो गया अप्रोच बॉस, अच्छा लगा मिलके किरण सर से, स्कूल टैगोर स्कूल। आपका नाम क्या है? निरंजन कुमार साहू। कब से काम कर रहे हैं यहाँ पे? यहाँ पर तो मुझे 10 साल हो गया। क्या बात है यार, स्कूल अच्छा है, मस्त स्कूल है, बहुत अच्छा, लोग भी काफ़ी अच्छे हैं, बात करने में भी काफ़ी अच्छे लोग हैं। हाँ, कल्पना चावला का वहीं पे घर, और ये दोनों हमारे भाई जो हैं, तो कल्पना चावला के जल्दी मिलेंगे, बाय। सो मज़ा आया भाई। निर्मल धाम आश्रम, करण सर ने हमें यहाँ के बारे में बताया था। सो हम लोग आ चुके हैं निर्मल धाम, यहाँ किसी शायद यहाँ से कुछ लिंक मिल जाए, और वही हुआ। ये हैं मोहन लाल जी, ये कल्पना चावला के पापा बनारसी लाल चावला जी के केयर टेकर हैं, उनका ख्याल रखते हैं। सो भाई आ गए हैं मोहन लाल जी, यहाँ पे उनका जन्म हुआ था, वो रेजिडेंस पे खाता हूँ। ठीक है चलते हैं, तीन लोग आ जाएं, तीन लोग चले गए। हाँ हाँ, नाम से चलो मैं। हाँ कोई नहीं, ऐसे पैर रख, निकाल के ऐसे कर लोगे? कोई नहीं कोई नहीं,
यहाँ पर साहब रहते थे ना जब, बहुत आप जैसे बहुत दुनिया आती थी मिलने के लिए, स्टूडेंट आते थे दो दो बसें भर के। जी जी, इसमें जन्म हुआ था कल्पना चावला का, इसमें में हाँ। अभी दिखाते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे रुकते हैं ना। और ये इनका कार पार्किंग था। ओह माय गॉड, मस्त। ओ ये घर है यार, ये घर है, ये हाउस खाली हो गया है ये बिल्कुल। अब ये बाबा रामदेव ने खाली करा दिया है ये हाउस। सही घर है जहाँ वो पली बड़ी थी, पैदा हुई थी। अभी शायद ये बंद हो गया है ऐसा बता रहे हैं मोहनलाल जी। सो रही है क्या? बीबी जी हैं क्या? तुम फोन आया है? ये तो एक दो फोटो कुछ नहीं है यहाँ से। ये भी पली बड़ी थी क्या वो? हाँ ही है, यहाँ पे जन्म हुआ था उनकी शिक्षा, जहाँ पे ग्रहण हुई थी वो दूसरी कोठी है। अच्छा अच्छा, तो ये जन्म स्थली उनका रेजिडेंस देखने के लिए आए। अच्छा अच्छा, इनके बुक्स लिख रहे हैं। अच्छा, साहब ने बोला था कि भी दिखा दियो मां। अब ये तेरे बल दाम मेरे पे हुए। ठीक है देख लो। तो यहाँ पर उनका जन्म हुआ था लाइट ऑन करो भाई। ये उनकी जन्म स्थली है, यहीं पर जन्म हुआ था, जहाँ पे हमारी कल्पना चावला का जन्म हुआ था इसी जगह पे। यहाँ पे ऐसा आंसर बता रहे हैं इस जगह पे। और काफी अच्छा लग रहा है यहाँ पे उनका जन्म हुआ, यहाँ पे पली बड़ी और फाइनली हम आ चुके हैं उनके निवास से। फर्स्ट इंडियन वुमेन टू गो इनटू स्पेस कल्पना चावला। यहाँ पर उनके मदर की मदर रहा करती, यहाँ पे उनकी दादी का रूम है यहाँ पे। खोल ना लाइट, लूट बंद चलाओ। बहुत बड़ी और पली हुई यहाँ पे, पली पली बड़ी। हाँ वो कोठी उधर है। ठीक है, तो यहाँ पे सारे घर चावलास के ही हैं। हाँ, इधर इस गली में चावला टाउन है। एमएफ हुसैन ने जयललिता जी को अपने ब्लड से उनकी कल्पना की फ़ोटो बना कर दी थी कि भी आने वाले जनरेशन क्या कहेगी, भी कल्पना क्या थी, उसके लिए स्टैचू के लिए जगह दी जाए। वो गवर्नमेंट अलाउड नहीं कर रही थी जगह, फिर उन्होंने अपने ब्लड से फ़ोटो दी थी कल्पना की बनाकर, फिर वहाँ पर स्टैचू उसका कहते हैं 32 फुट का चेन्नई में स्थापित हुआ हुआ है। क्या बात है। हाँ, अब्दुल कलाम जी ने साइंस ट्रेन चलाई थी करनाल में 3 दिन, ताकि बच्चों को क्या पता लगेगा भाई कल्पना की कितनी पढ़ाई थी, ताकि बच्चों में टैलेंट बढ़े और पढ़ाई का जो है ना स्टूडेंट को कंपटीशन हो कि नंबर कितने आएंगे मेरे। यहाँ पर साइंस ट्रेन 3 दिन खड़ी की थी उसने करनाल में। ये उनकी मालिकों की है, ये इसमें रही वो कल्पना जी जो पिक्चर ग्रहण करी उन्होंने यहाँ, मतलब पली बड़ी। हाँ पली बड़ी, यहाँ ये पर इस कोठी में जहाँ फ्लाइंग क्लब था। हाँ फ्लाइंग क्लब अभी भी है, अभी है वो। हाँ अब भी है। क्या बात है, वहाँ पे जहाज खड़े हैं, ट्रेनिंग सेंटर है ना वो। हाँ, पायलटों के लिए। हाँ, मिनी ट्रेनिंग सेंटर। हाँ, शुरुआत वहाँ से होती है पायलट। हाँ, की 75 घंटे की ट्रेनिंग होती है। बजाऊँ क्या बेल? हाँ, डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए ऐसा कुछ। सो ये वो घर है जहाँ पे कल्पना चावला पली बड़ी, वहाँ उस घर में वो पैदा हुई थी और यहाँ पे वो पली बड़ी। तो ये खाना है जो कि बनारसी लाल चावला के लिए है, उनके पापा के लिए। तो खाना बाहर से आता है क्या उनका? ये खाना उनके घर से आता है। अच्छा। ये जो उनके पास सर्विस करते थे ना। अच्छा अच्छा, तो एक शोरूमों में उनके खाना बनता है, वो उधर से कुरुक्षेत्र से लेके आते हैं बनाकर। जी जी। और सुबह मीनार रोड से जाता है डीसी की कोठी के पास, NDRI के पार्ट है मीनार रोड, वहाँ से जाता है 10 नंबर। आ गए हम लोग, यहीं पे रहते हैं उनके पापा बनारसी लाल चावला जी। फाइनली हम लोग घर पे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है यार, बहुत मोटिवेशन मिल रहा है यहाँ पे। बहुत खुश हुआ मैं देख के। आपको बचपन से मेरा सपना था यहाँ पे, बचपन से सपना था इनका।
इनका इंटरव्यू देखा जी, बहुत सारा इंटरव्यू देखा आपका। अच्छा जी, बहुत सब कुछ देख के फिर पता किया कि कहाँ पे रहते हैं, तो मिला ही नहीं मुझे एड्रेस। फिर मैं स्कूल गया सुबह सुबह, स्कूल गया, फिर वहाँ पे करण है ना, करण सर, हाँ करण सर, करण रहेजा सर, उनसे बात किया तो उन्होंने बोला कि वहाँ पे आश्रम है, वहाँ पे जाओ, वहाँ से आपके थ्रू हो गई। लेकिन मैंने बहुत कोशिश किया, ढूंढने से मिल जाता है, ढूंढने से तो मिला मुझे, ढूंढने से मिला। अपना मोबाइल ना छोड़ दियो, कहाँ है? नहीं है, नहीं है, नया नया। ये वाला, ये हैं बनारसी लाल चावला जी, कल्पना चावला के पापा, कभी देख लिया। और एक अलग सा फीलिंग आ रहा है इनके पास, बहुत अच्छा लगा। मुझे सुनाई भी कम देता है, अच्छा, सिर्फ एक कान काम करता है, कोई नहीं, कोई नहीं, एक बंद हो गया, कोई नहीं। तो मैं बीमार चल रहा हूँ पिछले 3-4 सालों से, अच्छा, लगातार। और उसका डॉक्टरों ने कहा है इसका कोई इलाज नहीं, मरो। आपकी उम्र क्या हो रही है अभी? उम्र मेरी हुई है 91 इयर्स। तो मैं बस या बैठता हूँ या लेटता हूँ, अच्छा, कहीं जा नहीं सकता, अच्छा, मैं खड़ा नहीं हो सकता, अच्छा। ये आदमी जो है मुझे जो उठाते हैं, ये बात हूँ मैं, ये बात बस यहाँ पर बैठाते हैं जी। तो मुझे बाथरूम की बड़ी दिक्कत है, बड़ी दिक्कत है, दिन में 11-12 बार वहाँ जाता हूँ, खून निकलता है वहाँ। तो कॉलेज में उसको समझ आई कि ये जो मैं पढ़ रही हूँ इसका कोई फायदा नहीं होगा। तो वहाँ ही उसने इंटरेस्ट नहीं मिला उनको कॉलेज, हाँ जी, इंटरेस्ट नहीं आया उसमें, हाँ हाँ। वहाँ ही उसने कुछ सोचा, तो उसको वो समझने के लिए तरह तरह के तरीके लगाती, किसी जानकार को मिलती, किसी को मिलती, पूछती, तो फिर उसने अपने आप को खड़ा किया। क्या बात है कि मैं साइंस पढ़ूँगा, साइंस ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ूँगा। तो फिर उसने साइंस पढ़ना शुरू किया। तो साइंस में जैसे जैसे पढ़ती गई उसको पता लगा कि कौन कौन साइंटिस्ट जो थे जिन्होंने इतनी इन्वेंशन की हुई है और लोग उसका मज़े ले रहे हैं, फ़ायदा उठा के। तो वो हैं काम के बंदे। और उसने जो टाटा के हेड हैं, रतन टाटा, ये हवाई जहाज चलाता था, अच्छा, तो उसको पता चला कि ये आदमी ही चलाते हैं, कोई भगवान नहीं आके चलाता। तो रतन टाटा को उसने समझना शुरू किया, उसको पढ़ना शुरू किया, तो उसको पता लगा कि आदमी तो बहुत कुछ करता है, आदमी तो चांद पे भी जाता है। तो उसने अपना माइंड सेट किया, तो फिर उसने साइंस को पढ़ना शुरू कर दिया। और मुझे एक दिन कहती है कि पापा यहाँ एक फ्लाइंग क्लब है, हाँ, करनाल में, हाँ हाँ, मैंने मुझे वो दिखाओगे जी जी, हाँ। तो मैंने उसको दिखाया, ये सारी नेट पे बातें हैं, हाँ देखा मैंने। तो मैं उसको ले गया वहाँ जी जी। तो वहाँ वो जाके इतना एक्साइटेड हुई, इतना एक्साइटेड हुई, फिर तो उन्होंने हम चक्कर कटवाया करनाल का ऊपर से, सारा करनाल देखा। तो बस वो दिन था जिसको उसने मन में रख लिया कि मुझे मैं इस तरह भी जाना है, इस तरह नहीं जाना है। तो फिर साइंस के मतलब उसने खोज करनी शुरू की। फिर उसने ऐसे ऐसे काम किए हैं, पूरी दुनिया के लोग उससे फ़ायदा उठा रहे हैं और पूरी दुनिया के लोग उसको झुक के सलाम कर रहे हैं। वो 3-4 कंट्रियों में गई थी उन दिनों कॉलेजों में लेक्चर देने के लिए, यूनिवर्सिटियों में, वहाँ बहुत अवार्ड मिलते थे उसको, वो नहीं लेती, जो ली उन्होंने धक्के से दिया वो उसने रख लिया। और उसी वक्त
जो स्टूडेंट जो लोग उसको सुन रहे थे उनमें उसने कहा कि आप भी साइंस पढ़ो। क्या बात है। और साइंस पढ़ के आप कोई इन्वेंशन करो जिससे दुनिया का भला हो। तो आगे पढ़ते जाओ तो एक लड़का पुणे से खड़ा होकर बोला, मैम मेरे पास तो पैसा ही नहीं है आगे पढ़ने के लिए, यहाँ तक मैं बड़ी मुश्किल से पढ़ा हूँ, कहाँ कहाँ से पैसे लिए हैं मुझे, किन लोगों ने दिए हैं। ये लड़का था नाइजीरिया का, तो खड़ा होकर बोल रहा है। तो कल्पना दूर खड़ी हुई, उसको कहती है तुम्हारा नाम क्या है। हाँ। उसने अपना नाम बताया, एड्रेस क्या है उसने, और उसने अपना सेव कर लिया जी। और उसको कहा तुम जिस यूनिवर्सिटी में मर्जी जाओ, जो तुम्हारे पसंद की हो, लेकिन साइंस को पढ़ो तो आपको कोई पैसे की किल्लत नहीं आएगी। और वो पढ़ता गया और कल्पना वहाँ से पैसे भेजती गई और वो पढ़ के पास हो गया और बहुत बड़ी पोस्टिंग उसकी हुई। तो उधर वो कल्पना का वो दिन आखिरी दिन था, वो आने वाला था, आ गया। तो अब वो रोता है उसमें अपनी नौकरी में, तो सोचता है कि मैं कल्पना को मिलने जाना था, मुझे टाइम नहीं मिला तो कल्पना तो चली गई। तो फिर उसने सोचा उसके फादर को मिलते, तो उसने कहीं से मेरा टेलीफोन नंबर लिया और मुझे वहाँ से टेलीफोन किया उस लड़के ने। तो मैंने कहा ठीक है, इतनी दूर आप रहते हो तो आप क्यों पैसे बर्बाद करते हो किरायों पर टिकटों पर जी जी, आप मेरे साथ बात कर लिया करो, जो कुछ पूछना है मैं आपको बताता रहूँगा, आप वहाँ ही रहो, पैसे बर्बाद ना करो। कहते नहीं जी मुझे तो आपसे मिलना है। वो आ गया, पाँच सात दिन के बाद दिल्ली एयरपोर्ट से उसने टेलीफोन किया। तो मैं वही हूँ जी उसने जो मैं आपसे इजाज़त ले रहा था। तो कहाँ आऊँ मैं, उसको पता नहीं था करनाल दिल्ली से परे है। तो उसको फिर मैंने समझाया कि बाहर चला जा, टैक्सी वाला स्टैंड है तो टैक्सी वाले के पास जाएगा तो उनसे बात मेरी करवाना, वो आपको ले भी आएंगे समझाएंगे भी। तो इस तरह वो टैक्सी लेके तो करनाल पहुंच गया। बाप रे। करनाल पहुंच गया तो उसने कपड़े ऐसे पहने हुए थे बिल्कुल सर्दी के बगैर वाले। अच्छा। तो यहाँ उस दिन बड़ी सर्दी थी, बड़ी। और वो गेट पे जब टैक्सी उसकी आई जहाँ मैं रहता था धाम में, तो मुझे अंदर मैसेज आया कि कुछ मिलने के लिए आया है। तो मैंने उसको कहा भेज दो, तो वो आया तो कांप रहा था कपड़े छोटे सबसे पहले मैंने उसको सुना कि मैं वहाँ से आया हूँ। तो साथ साथ ऐसे मैं उठ के अपनी अलमारी खोल के जो सामने आई जैकेट मैं जो पहनता था उठाई, उसको पहनाई और अपने कमरे में ले के मेरा कमरा जो टेम्परेचर माकूल था तो उसको बैठा के उसको फिर थोड़ी देर के बाद होश आई। जब वो बोलने लायक हुआ तो फिर उसने ये सारी कथा सुनाई, ये कल्पना ने पढ़ाया है मुझे और मुझे पता ही नहीं चला कि पैसा कहाँ से आता है। मैं अपना यूनिवर्सिटी में जा, ऐसे कई लड़के उसने पढ़ाए कई। अब जैसे जैसे वो पढ़ती गई वो लोगों को जहाँ मौका मिल, क्योंकि होशियार थी पढ़ाई में, ऐसी नहीं थी टॉपर, तो कॉलेजों वाले बुलाते थे उसको, लेक्चर उसका सुनते थे। तो फिर लोग उसके बस फैन बनते गए, कितने उस लोगों को सजेशन दी है। एक कोई लेडी है
उसने लिखा हुआ है कल्पना हैव एंग्रेव्ड फुटप्रिंट ऑन माय हार्ट। पीएचडी है वो साइंटिस्ट। ऐसे कितने लोगों ने इस तरह के बातें कही हैं। मैंने एक एक सुना था कहानी डॉक्टर एंजल के बारे में। डॉक्टर एंजल आपने कहा, आपको बोले कि डॉक्टर एंजल जो है वो भी करनाल आया था। अच्छा। दो बार वो साइंटिस्ट है डॉक्टर एंजल, किसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। तो वो प्रोफेसरशिप करते करते उसने एक इंस्ट्रूमेंट इन्वेंट किया था। ओके। और उसको टेस्ट करना था स्पेस में। तो स्पेस में सिर्फ नासा ही एक कंपनी है जो इस तरह के इन्वेंट किए हुए टेस्ट करते हैं जी। तो उसने उनको संपर्क किया जी। तो नासा ने कहा कि लाओ दिखाओ, तो हम जब जाएंगे कर देंगे टेस्ट जी। इस तरह दुनिया भर के साइंटिस्ट अपना खोजते रहते हैं जो, तो कभी टेस्ट कराना उनको स्पेस में पड़े तो नासा को कंडक्ट करते हैं जी। तो नासा उनको मर्जी हो तो ले जाता है, नहीं मर्जी तो नहीं ले जाता जी। तो नासा ने उसको कहा तुम लेके आओ अपना इंस्ट्रूमेंट जी। तो इंस्ट्रूमेंट लाए वो, तो उसको नासा ने चेक किया जी। तो उनको पता चला कि ये वहाँ स्पेस में ही टेस्ट होना है इसका। अच्छा। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम फला तारीख को एक क्रू जाने वाला है। आप उस तारीख से एक दो महीने पहले यहाँ आना इंस्ट्रूमेंट लेके, और उस इंस्ट्रूमेंट को जो आपने टेस्ट करवाना है वो हमारे उन लोगों को जो हमने नॉमिनेट किए हैं स्पेस में जाने के लिए उनको वाकफ कराना है, समझाना है जी। कि ये इस तरह इसको टेस्ट करना है, ये चीज़ टेस्ट करनी है जी। तो वो उसने उसी तरह कर दिया। तो अपने नासा में आया, किसी दूसरे सिटी में रहता था दूर, अपने दो तीन बंदे साथ थे जी। और इंस्ट्रूमेंट को खुलवा के दिखा के जी, तो ये पक्का कर लिया कहीं अब जाएगा। और इनमें ट्रेनिंग दे दी गई उस ग्रुप में कल्पना थी जिसने जाना था जी। तो कल्पना के कुलीग जो थे छः और थे। हाँ, छः और सात लोग। सात लोग थे, सातों ने वो ट्रेनिंग ली। हाँ। पता नहीं किसकी बारी आएगी ऊपर जाके इस इन्वेंशन को टेस्ट करने की। इसकी आ सकती है, उसकी आ सकती है। हाँ। तो सब लोगों को उन्होंने ट्रेनिंग दी। हाँ। तो सारे ट्रेन हो गए और वो यंत्र जो था वो स्पेस में चला गया जी। चला गया तो जिस दिन उसको टेस्ट करना था उस दिन उसकी बारी नहीं थी कल्पना की जी, इसको टेस्ट करने की दूसरे लोगों की थी जी। तो दूसरे दो लोगों को ड्यूटी लगाई स्पेस में कि आप टेस्ट करो। तो दोनों वो लोग जो थे वो टेस्ट करने के लिए स्टोर में गए, उसको निकाला, उसको खोला, उसको समझा। तो ये भी आके वहाँ अपने गांव से कंट्रोल रूम में नासा के नीचे वहाँ खड़ा हुआ उनसे संपर्क टेलीफोन से बना के जी। तो इससे वो पूछते रहे कि जी इसका दादा मुझे समझाना कि क्या करना है। तो वो समझाता रहा उनको जी। और वो लगे उसको टेस्ट करने, करते रहे टेस्ट और उसको बताते रहे कि अभी हमें कुछ नहीं मिलता जी। तो 12 घंटे वो लगे रहे और उसको बताते रहे कि कुछ नहीं हो रहा जी। और इतने वो भी मायूस हो गए, इधर ये जो डॉक्टर एंजल था ये भी मायूस हो गया। और 12 घंटे के बाद उन्होंने डिक्लेयर कर दिया जी ये नहीं होता। और उस वक़्त नेट पे है वीडियो, वो रो रहा है डॉक्टर एंजल और अपने कलीग को कह रहा है मेरी
चार साल की मेहनत बिल्कुल खराब हुई और कितना पैसा बर्बाद हुआ और मैं बिल्कुल तबाह हो गया हूँ। तो इस तरह वो अपने कलीग को बता के तो मायूस हो के रो रहा है। तो उधर उसने कल्पना ने जो ड्यूटी आज की थी उसकी और किसी इंस्ट्रूमेंट को टेस्ट करने की थी जी। तो करके तो उसकी छुट्टी हुई हुई थी तो वो अपने बैग में अपना रेस्ट करने का जो टाइम था उसको अवेल शुरू कर दिया था। बैग में चली गई और साथ में ये जो टेस्ट हो रहे थे इनके साथ अपनी संपर्क रखा जी। तो उसको उसी वक्त उसकी डॉक्टर एंजल की रोने की आवाज़ें और मायूसी के उससे सुनाई दिए जी। तो वो आ गई थी ना अपने बेड में रेस्ट करने के लिए तो एक सेकंड दो सेकंड उसने सोचा कि मैं अगर करूँ उसको टेस्ट शायद कर पाऊँ। सिर्फ एक दो सेकंड में ही उसने मन बना लिया कि मैं उससे पूछती हूँ कि मुझे देते हो टेस्ट करने के लिए तो मैं कोशिश करके देखूँ कि होता है। तो उसने अपना संपर्क उससे किया डॉक्टर एंजल से। तो एंजल कहा कि मेरा नाम ये है, मैं वो एस्ट्रोनॉट हूँ, तो ये जो आपका टेस्ट रह गया है मैंने ये सारा सुन लिया है, समझ लिया है, तो मैं कोशिश करूँ अगर ये हो जाए तो बड़ा ही अच्छा हो। तो वो क्या फटाफट कहते हैं हाँ जी करो। तो उसने परमिशन ली नासा से और फिर अपना वो निकली अपने बैग से जाके वो कपड़े पाए जो पहनते हैं साइंटिस्ट, तो फिर गई स्टोर में तो जाके वो इंस्ट्रूमेंट देखा जी। ये जो था ये एंजल कंट्रोल रूम में थोड़ा चेक रहा था कि परमात्मा शायद कुछ इसको करके दे दे जी। तो इससे संपर्क उसने बनाए रखा। वो उसको कहती है कि मैं पहुंच गई हूँ वहाँ से, मैंने वो इंस्ट्रूमेंट जरा है उसका डब्बा निकाल लिया है, उसको मैं साइंस वाले रूम में ले आई हूँ और उसको मैं अब खोल रही हूँ, उसको मैं अब खोल लिया है। अच्छा अच्छा। उस डब्बे को खोल के उसमें एक फाइल पड़ी है जी। उस फाइल को मैं मुतालिया करूँगी, थोड़ा सा टाइम लगेगा। अच्छा। तो फिर उसने वो फाइल पढ़ी जी जी। पढ़ी तो उसको छोटी मोटी कोई बात पूछनी थी उससे पूछी, तो उसने कहा जी अब मैं शुरू करती हूँ इसका टेस्ट करना। 12 घंटे तो उन्होंने लगाए थे तो ये लग पड़ी उसको टेस्ट करने के लिए और टेस्ट करती गई। इसको पता चलता गया कि सही हो रहा है, ये इसलिए नहीं हुआ था उनसे, ये उन्होंने नहीं किया था। तो उसको बताती रही और वो नाच रहा है कंट्रोल रूम में, देखा मैंने वीडियो में, देखेंगे नाच रहा है अपने कलीग को, कहता है हे भगवान मेरी सुन ली तू। तो वो लगी रही 6 घंटे में उसने वो टेस्ट करके उसको रिजल्ट दिया, ओके ये टेस्ट हो गया है और जो तुम चाहते हो वही रिजल्ट हैं इसके, ये रिजल्ट हैं जी। तो जब उसके पास रिजल्ट पहुंच गए उसने जब नीचे देखा तो नाच रहा है उसमें और ऐसे ऐसे उसको कर रहा है हाथों से खुशी से थप्पड़ ऐसे शाबाश शाबाश दूसरों को, तो बहुत ही खुश है। तो सारा ये काम कंप्लीट हो गया, ये मैटर उसका जो था वो हल हो गया और ये फंक्शन जो था ये ऑफ हो गया। और वो एंजल साहब कहते हैं अपने कुलीग को जो साथ आए हुए थे जी, उनको कहते हैं कि कल्पना ने जो काम किया वो तो ना होता था, नहीं हुआ था, इतना उन्होंने मेहनत की सिर्फ दूसरे लोगों ने तो ये रह गया।
तो कल्पना ने जो काम किया ये मेरे लिए मेरी ज़िंदगी मिली है और लोगों को ज़िंदगी मिली है। और अब क्या से करें, कल्पना तो स्पेस में है, उसको पर्सनली मिलना है जी जी। तो ये मान बनाते हैं कि चलो ऐसा करते हैं, फलानी तारीख को कल्पना ने आना है वापस, हाँ। तो हम पर्सनली वहाँ अपने गांव से यहाँ आके उसको थैंक्स करेंगे, मिलेंगे। क्या बात है। तो वो चला गया, चला गया। तो जिस दिन उसने आना था वो अपना कंट्रोल रूम में आ गया और सारा वो देखता रहा कि शटल जो चला हुआ है उसमें वो जो एस्ट्रोनॉट हैं वो वापस आ रहे हैं जी। तो वो देखता रहा, तो जब उसने देखा कि उसका ख़त्म हो गया वो, तो शटल वो भी जो एस्ट्रोनॉट थे वो भी ख़त्म हो गया, तो फिर लगा रोने, रो रो के तड़पिया तड़पिया। तो अपने मन को कहता है कि तूने क्या किया, जब तू कहता था कि कल्पना को पर्सनल मिलने के लिए आएंगे, भगवान वो भी नहीं चाहता मुझे मिलने। पर कल्पना अब ये कहता है, कल्पना अब मैं तुझे वहाँ ही मिलने आऊँगा जहाँ तू गई है। और रोता रोता अपने घर चला गया। घर गया तो घर जाके अपने कमरे में घुस के अंदर से लॉक कर दिया, ना खाना ना पानी ना सोना, तो रो रहा है। बीवी उसकी बाहर से उसको आवाज़ें लगा रही है, दरवाज़ा खोलो, वो नहीं खोलता। फिर उसने उसके दोस्तों यारों को जो उसके साथ थे उनको बताया, वो दौड़ दौड़े आए, कितने लोग उसके दरवाजे को नॉक कर रहे हैं और उसको कहते हैं खोल दरवाज़ा। दो दिन वो अंदर रहा, दो दिन भूखा रोता रहा, इतने उसने आंसू उसके सूजे हुए थे। तो उसने एक दोस्त के हक में वो दरवाज़ा खोल दिया। तो सब ने उसको प्यार किया, समझाया कि ये तो भगवान का मैटर है, ये भगवान ने किया, बंदे ने नहीं किया, ये तो वही इसको करने वाला है और उसकी प्रशंसा करो बजाय इसके के आप रोते रहो। तो फिर लोगों ने उसको थोड़ा सा बूस्ट किया और वो अब दरवाज़ा खोल के खाना खुना खाया, नहाया नुहाया। लेकिन मन में सोच कि कल्पना मिलते मिलते भगवान ने हमसे छीन लिए, तो मायूस सोचते सोचते उसने सोचा कि मैं कल्पना का शुक्रिया करूं। तो उसने वो लेटर लिखा, चिट्ठी लिखा, एड्रेस किया कल्पना को। तो लिख के लेटर तो आप कहता दी हम किसको, वो गई फिर आपसे कॉन्टेक्ट किया, लेटर उसको पास है। तो फिर वो उसको सोच आई कि उसके कोई पेरेंट्स होंगे, उनसे मिलूंगा। तो फिर उसने मेरा एड्रेस वहाँ से ढूंढा, तलाश किया, मेरा टेलीफोन लिया और उसने मुझे टेलीफोन किया वहाँ से, अमेरिका से। तो कहते हैं जी मैं ये आदमी हूँ और मुझे आपसे मिलना है। मैंने कहा इतने दूर बैठे हो तो इतने खर्चे करोगे, आप मिलो, ये टेलीफोन आपने जो लगाया है, जब आपका दिल चाहे मेरे साथ बात करते रहो। कहते नहीं जी मैंने तो आपको मिलना है। तो बड़ा समझाने के बाद भी वो नहीं माना। तो फिर वो एक दिन करना हुआ आ गया, यहाँ आ गया अमेरिका से, डायरेक्ट यहाँ करना। वहाँ भी गए थे उसको भी। अच्छा, लेटर भी उसके पास था। आके फिर मुझे उसने बताया जी मैं ये हूँ मैं वो हूँ। तो फिर अपना किस्सा सुनाया कि ये टेस्ट उसने किया था कल्पना ने, तो कल्पना का मैं सोचता था कि मैं आप पर्सनली जाके मिल के शुक्रिया करूँगा
तो वो हक भी मुझे नहीं मिला। तो फिर मैंने आपको तलाश कर लिया। लेटर में क्या क्या लिखा हुआ था? लेटर में क्या लिखा हुआ था? क्या क्या लिखा हुआ था लेटर में? अभी बताते हैं। अच्छा है ना, कोई नहीं। लेटर में उसने लिखा था, कल्पना तूने जो उस दिन काम किया था मेरे ट्रस्ट के लिए, मैं आपका आभारी हूँ, सारी जिंदगी आपको खुशी मनाऊंगा। तो आपने वो कर दिया जो नहीं हो सकता था, इम्पॉसिबल था, इम्पॉसिबल था। और मैं कितना खुश था, अगर आप होते तो मुझे देखते तो आप भी हंसते खुश होते। क्या बात है। लेकिन कोई मौका नहीं मिला। तो इतना जो काम आपने किया जो नहीं होने वाला था वो करके दिया, और मेरी तो ज़िंदगी बन गई, मैं तो दोबारा जन्म ले लिया। लेकिन मेरी एक हसरत थी कि मैं आपसे मिलूं, आपका शुक्रिया करूं, तो वो नहीं पूरी हुई। जी जी। कल्पना कोई बड़ा मैं इधर उधर घूमा कि किसी तरीके से कल्पना को मिल लूं, मगर कोई बात बनी नहीं। अब मैं आऊंगा तुम्हारे पास जहां तुम हो। क्या बात है। सुन वो बात नहीं, ऑटोग्राफ चाहिए था मुझे आपका, ये वहाँ के चेयरमैन है, चेयरमैन स्कूल के चेयरमैन का साइन किया मैंने यहाँ के, नहीं रहेजा स्कूल में नहीं है रहेजा, उनका साइन किया मैंने को मेमोरी के लिए। रहेजा इज रहेजा बुक जो मैं पढ़ रहा था, रहेजा इनके पापा से मिलके, और इनका साइन ले रहा हूँ यार ताकि एक याद रहे मेरे पास। मेरे हाथ काम थे। कोई बात नहीं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू यार, एक ड्रीम कम ट्रू हो गया मेरा, सपना पूरा हो गया। जब आप अमेरिका गए थे तो वो जूते वाला कहानी, जूते वो सिलवाती हैं वो कल्पना चावला जी वो बहुत मशहूर कहानी है, मुझे सुनना है आपसे वो ना। हाँ मैं उसके पास गया हुआ था। हाँ और वो घर में बहुत लेट आई जी, मैं तो सोचता था कि इस वक्त आएगी। हाँ। पर वो बड़ा लेट आई, तो मैंने कहा कि ज़्यादा आज ओवर टाइम लगाना था। हाँ। तो पहले तो उसने नहीं बताया। हाँ। फिर मैंने पूछा क्या करने गई थी, इतना हाँ। टाइम कहाँ गुजारा। हाँ। तो फिर उसने बताया मैंने जूता अपना रिपेयर करने के लिए हाँ। वो फलां जगह पे दिया था, उसको लेने के लिए गई। हाँ। तो वो दूर था, मेरा टाइम लग गया। अच्छा। तो इसलिए मैं लेट पहुंची हूँ। मैंने कहा कि जूते नए जो हैं बहुत महंगे आते हैं। हाँ। कहते हैं ये मेरा जूता जो है ना जो मैंने रिपेयर के लिए दिया। हाँ। अभी ये 5 साल चल जाएगा और अच्छा। तो मैं अगर नया जूता लेती एक जानवर और मरता तो नया जूता मेरा बनता। तो मेरा ये थोड़े से पैसों में 5 साल चल जाएगा ये जूता। मतलब जानवर और मरता होंगे वो था चिंता था कि मरता था। 20 मील दूर था वो मोची। अच्छा 20 मील गई। 160 किलोमीटर। क्या बात है। उसकी बड़ी ऐसी बातें हैं। आखिरी बार आप मतलब कब मुझसे हुई थी मुलाकात? आखिरी बार जब आखिरी बार वो नहीं आई। अच्छा। उसको मिले थे जब जाने वाली थी जी जी। तो हम उसके पास मिलने के लिए गए थे जी। जो नासा ने हमें बताया कि आप फलां तारीख तक उसको घर पे मिल सकते हो और उसके बाद नहीं।
तो हम यहाँ से चल पड़े उस फलां तारीख से पहुँचने के लिए। तो जैसे ही जहाज़ में हम बैठे और उड़ने वाला था जहाज़ और वो फाइनल चेक करते हैं, तो पायलट ने चेक किया तो उसने डिक्लेयर किया कि इसमें तो कोई फॉल्ट आ गया है, ये नहीं जा सकता। अच्छा, ये दिल्ली एयरपोर्ट की बात है। तो सारे पैसेंजर बाहर निकाल के उसमें वेटिंग रूम में बैठा दिए और उनको कहा कि भाई इसका जो पार्ट ख़राब है वो आएगा बाहर से ही, जी जी, लंदन से वो आएगा, फिर हम उस पार्ट को बदल के लगा के तो फिर आपको लेके जाएंगे। तो अब सारे जितने लोग थे जाने वाले वो उस वेटिंग रूम में बैठे हुए थे, तरह तरह के दुख अपने प्रकट कर रहे थे, जी मेरा तो ये काम था, मेरा ये काम था। हमने भी उनको बताया कि हमारा ये काम था। तो बैठे रहे तो फिर वो पार्ट आ गया और उसको लगा दिया और फिर उसने जाना शुरू कर दिया। तो हम जब पहुँचे ना वहाँ तो हम वो टाइम जो था नासा ने दिया हुआ वो जा चुका था, अब हम मिल नहीं सकते थे। अच्छा, तो कल्पना उनको नासा को बता रही थी कि मेरे पेरेंट्स चले हुए हैं और उनको ये तकलीफ हुई है, वो जहाज़ ख़राब हो गया, वो जहाज़ ठीक हो गया, तो इस तरह करके वो टाइम जो था वो अवेल नहीं कर सके। तो कोई तरीका करो कि मुझे उनसे मिला दो जी। तो फिर उन्होंने अपनी मीटिंग करके तो फैसला किया कि चलो इसको इनको वहाँ मिलाते हैं। वो जब जाना होता है ना स्पेस में, उससे कोई दो चार दिन पहले उस एस्ट्रोनॉट को एक जगह इन्होंने बनाई हुई है समुंदर के किनारे पर, बड़ी बड़ी बिल्डिंग उसमें रखते हैं जी। तो उसको किसी को मिलने की इजाज़त नहीं होती, ताकि कोई बीमारी उससे ना इसके पास ट्रांसफर ना हो कोई बीमारी। हाँ जी जी जी। तो वो उस घेरे में आइसोलेट करते हैं। हाँ जी, पहुँचे हुए थे और उस घेरे में थे। तो अब उसको पता चला कि मेरे पेरेंट्स आ रहे हैं लेकिन वो मिल नहीं सकते, तो मायूस हुई जी। तो उनको भी ये लगा कि उन्होंने भी जोर लगाया पहुँचने का, नहीं पहुँच पाए और बेचारों की क्या हालत होगी। तो ऐसा सोच के उन्होंने फैसला किया कि चलो इनको वहाँ मिलाते हैं, लेकिन एक कंडीशन है, अगर ये मान जाए ये कर पाएँ, ये हो जाए इनसे, तो ये कल्पना को मिल सकते हैं इतने मिनट के लिए, इतने मिनट के लिए। अच्छा, तो हम जब पहुँचे तो जवाब था कि भई आप नहीं मिल सकते। अच्छा, हम भी बड़े मायूस हुए। तो हमारी मायूसी को देखते देखते ये खबर नासा के मन में भी बड़ी पहुँची कि इन्होंने इतने मेहनत किए, इतने आए, तो काम नहीं कर नहीं बना। तो फिर उन्होंने जो बैरियर था उसको तोड़ा, प्रोटोकॉल भाई तो हमारा हेल्थ टेस्ट होगा जी, अगर तुम हेल्थ में पास हो गए जी, डॉक्टर करेंगे तो आपको उनसे मिला देंगे 5 मिनट के लिए। 45 मिनट टाइम सारा उन्होंने दिया, 9 जने थे जी। हमने कहा ठीक है जी, करवाओ टेस्ट। वो फिर उन्होंने पैनल बनाया तो डॉक्टर आ गए, ये नाक टेस्ट करने वाला है, ये कान टेस्ट, ये गला टेस्ट, ये फलाना टेस्ट, तो सबको अलग अलग उसने चेक किया डॉक्टरों ने जी जी। और लकीली सारे ही पास, क्या किसी को कोई नुकसान नहीं मिला और हमें इजाज़त मिल गई कि आप मिल सकते हैं, लेकिन 5 मिनट के, बस 5 मिनट। तो फिर हम उसको मिलने के लिए उस रूम में गए, वो भी इंतज़ार कर रही थी, तो मिले तो मेरी आंखों में आंसू थे जब उसको मिला।
तो कहती पापा ना ऐसे ना कर। सही बात है। मैं तो बड़ा खुशी का दिन है आज जा रही हूँ और लोग जो हैं इस काम के लिए लगे रहते हैं, उनसे होता नहीं और मेरा जो हो गया काम उस पर आपको रोना नहीं चाहिए, खुशी मनानी चाहिए। तो आखिरी मुलाकात थी आपकी? ये आखिरी, बस 5 मिनट के बाद मुझे अलग-अलग कर दिया। फिर उसका भाई आया, उसकी भाभी आई, उसकी बहन आई, सब लोग मिले, सब ने मिला और जब वो 45 मिनट हुए तो हमने उसे निकाल दिया, चलो जी जाओ। ये था लास्ट मीटिंग, लास्ट फोटो भी उन्होंने ली हुई है, नेट पे है। सो ये स्टोरी है हमारी कल्पना चावला की, जो बहुत कम लोग जानते हैं यार। बहुत खुशी हुआ यहाँ पे आके और अच्छा लगा मुझे। बहुत बातें हैं। हाँ। जब वो चली गई थी ना तो नासा ने कंडोलेंस मीटिंग की और नासा का काम बंद कर दिया और लोग जो थे नासा में जाने के लिए भाग रहे हैं, लेकिन नासा उनको एंट्री नहीं देता क्योंकि वहाँ तो बड़ा भारी सिक्योरिटी होती है। सही बात है। किसी को नहीं अंदर जाने दिया। तो नासा का बहुत बड़ा कम्प्लेक्स है, कई मीलों उसकी 4 दीवारी उन्होंने की हुई है और दीवार के बाद जो उनका एंट्रेंस गेट है उस पर बहुत लंबी चौड़ी सिक्योरिटी है। तो लोग जो जाना चाहते थे नासा के पास, वहाँ के लोग कंडोलेंस के लिए, उनको एंट्री नहीं मिली और वहाँ बड़ी सर्दी थी, माइनस टेम्परेचर था। तो लोग जाके वहाँ ठिठरते, रोते और वहीं बैठ जाते उस दीवार के साथ। उनमें से कई लोग बीमार हुए, उनको उन्होंने एम्बुलेंस में अस्पताल भिजवाया और कई लोग मर गए, उनको पैक कराया। ये सिलसिला 4-5 दिन 7 दिन चलता रहा, ये भी नेट पे है। लोग जाते रहे, बढ़ता गया वो 4 मील उस जो बाउंड्री वॉल थी उसके साथ लोग बैठे हुए। ठंड इतनी, उन्होंने नासा ने बड़े सारे इंतज़ाम किए हुए ठंड को बचाया जाए, इनको कपड़े दिए, शेल्टर बनवाए, एम्बुलेंस मंगवाई, डॉक्टर मंगवाए। वो देख रहे हैं, वो मर रहे हैं, वो रो रहे हैं और सारे वहाँ बैठे हुए लगे हुए हैं। कितने लोग? अनलिमिटेड। तो 2-3 दिन के बाद मुझे पता चला कि इस तरह लोग बहुत गए हैं नासा, उनको एंट्री मिली नहीं और दीवार के सारे बैठे हुए हैं। और नासा उनके लिए बहुत बसेरा कुछ कर रहा है मगर इतने लोगों का कुछ नहीं हो पाता, नहीं हो पाता। कितने लोग मर गए, डॉक्टर आए, डॉक्टरों को उन्होंने बना दिया सारा शेल्टर जी। भाई लगातार आप देखते रहो, इनको टेस्ट करके इनका इलाज करो। तो वो करते रहे पर पब्लिक बहुत ज़्यादा थी जी। और कई दिन का लोग थे वहाँ ठिठर रहे हैं, खाली छत नहीं है। तो मुझे जब पता चला तो मैंने सोचा मैं भी जा कर देखूँ तो सही। तो मैं गया तो उनको मिला जो बैठे हुए थे। आप क्या कर रहे हो? तो मुझे उन्होंने सवाल किया, हम इसलिए बैठे हुए हैं कि एक बहुत बड़ी साइंटिस्ट थी, वो बहुत काम करती थी, वो चली गई। और चली उस वक़्त गई जब वो पहुंच रही थी उससे सिर्फ 16 मिनट पहले। तो हमें बड़ा दुख, हम ये दुख मनाने के लिए नासा के पास पहुँचे तो नासा ने हमें एंट्री नहीं दी। तो हम यहाँ बैठ गए। तो यहाँ इतनी ठंड है कि हम मर रहे हैं और लोग इसी तरह अपना कोई इलाज भी करवाते, कोई मरते भी, कोई बीमार भी होते। फिर नासा ने उसी वक्त इंतज़ाम किया
एम्बुलेंस मंगवा के रखी, उनको फटाफट अस्पताल शिफ्ट किया, फिर वो काम ना बना, फिर उनको डॉक्टरों को उन्होंने मंगवाया, शेल्टर बना के डॉक्टरों को कहा आप यहाँ रह के इनका टेस्ट करते रहो, तो डॉक्टर भी लगे हुए, तो ये काम सिमटा नहीं। चंद्रयान 3 अभी चांद पे पहुँचने वाला है, हाँ बहुत जल्द, अगर वो होती तो बहुत अच्छा लगता। जो मेरे पास कई बार आए थे इसरो वाले, अच्छा कस्तूरी रंजन था पहले वाला, हाँ जो वो 2-3 बार मुझे यहाँ मिले हैं। अच्छा नील आर्मस्ट्रांग भी मिले हैं सबको, नील आर्मस्ट्रांग सबसे पहले, नील आर्मस्ट्रांग, हाँ सुनीता विलियम भी रहे हैं, सुनीता विलियम, क्या बात है, इनके रेजिडेंस पर रह के भी है सुनीता विलियम इनसे, इनके पास दिल्ली। तो अच्छा लगा यार, और खुशी हुई इनके मुंह से वो कहानी सुन के कि इनकी लाइफ कैसी थी, क्या क्या हुआ, क्या क्या स्टोरी हुई, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा यार दिल से। और ये इनके रूम में इनका बड़ा सा पोस्टर कल्पना मैम का, और इनके पापा प्राउड फादर। ओ वाओ, अब होंगे होंगे नहीं तो वो सुनाते हैं, गाइस इनकी तो मम्मी हैं, देखते हैं 5-7 में, लेकिन बहुत अच्छी है। जो क्वालिटियां घर वालों को पता होती हैं सही बात है, वो जब यू ऐसे गई सिर्फ टिकट के पैसे लिए होते, मैं बोला मैं किसी कोई पैसा नहीं ले रहा, मुझे खुद कमाना है और खुद करना है। क्या बात है, और किया क्या, किया क्या पता है, अपनी पढ़ाई तो की, उसके पास अगर मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ तो 12 लाइसेंस थे जहाँ चला गया, बाल लाइसेंस, हाँ खुद कमा के लाइसेंस भी लिए और पहले सीखा फिर लोगों को सिखाना शुरू कर दिया, और हर एक तरह के जहाज वो चला लेते, हर फाइटर जेट कोई भी जहाज, पानी में उतरने वाले उड़ने अच्छा, वाले अच्छा। फाइटर सब तरह के उसने सीखे थे, खुद कमा के पैसे और अपनी पढ़ाई में हमसे एक पैसा नहीं लिया। तो गवर्नर ने वही बात, तो तब तो इतना कुछ था भी नहीं, कोई जान पहचान का भी नहीं, हमारा तो दूर दूर तक कोई नहीं था जान पहचान का वहाँ पर, और वहाँ पर वो लेते हैं 6 फुट कद्दू, और मिलिट्री वाले घरों से तीनों मिलिट्री में से कोई भी, तो आईटी की पढ़ाई, ना आईटी की पढ़ी हुई है ना ही हमारे घर में कोई किसी भी मिलिट्री में हमारा कोई बंदा नहीं है, इतना उसका दिमाग तेज है कि कुछ भी नहीं होते हुए वो वहां उसको एडमिशन लिया। कैसी थी, जिस टाइम उसका ये हादसा हुआ है, हाँ। हम लोग बैठे देख रहे थे, कहाँ पे आप मतलब घर पे थे, प्रोग्राम देख रहे थे, सच में कहूं तो अगर हम आपस में बातें करते हैं ना स्वर्ग जाएगा, तो स्वर्ग देखा तो नहीं है कि सही बात है भाई, वही कह रहे हैं आप अगर देखो कई लोग, कई लड़कियां हमको ऐसे लोग मिले हैं जो उसका प्रोग्राम देख के कौन बेहोश हो जाते हैं, ऐसे भी होता है, ऐसा काम मतलब लड़की कर रही है एक एक काम, सही बात है, हमें मिलते हैं ना, मिलने आते हैं जो लोग काफी की तरह, कि जब देखा तो मतलब समझ ही नहीं आया, क्योंकि जो भी पीछे लगे हैं ये कर सकती थे हम कर नहीं सकते, यही सब कुछ कोई मुश्किल कुछ भी मतलब इम्पॉसिबल नहीं, तो करना चाहो बस, जो करना चाहो वो हो जाएगा, बस थोड़ा सा हिम्मत चाहिए हमें, बैठे जंगलों में घूमते, उनके फोन
अभी इनसे ले लेते हैं, आइडिया नहीं है मुझे। नहीं चलो फोन करते हैं। हाँ फोन से बोलो। सो फोटोग्राफ ले रहा हूँ। ऐसे ही देख रही हैं ऊपर, इनके ऊपर, इनके ऊपर ना। हाँ हाँ गुरुजी को, गुरुजी के ऊपर वहाँ पे ये। इनका नाम क्या है? महाराज संत निका सिंह जी। संत निका, हाँ जिनका जिनका नाम वो स्कूल बना हुआ है। हाँ जी जी, बहुत ऊँचे उनका। ओ बहुत लगी हुई थी ना, अभी चेंज किया है ना, ये सब लगी हुई थी। आई एम सिटीजन ऑफ मिल्की वे कल्पना चावला। ओ माय गॉड, बहुत कुछ था लगा हुआ। अभी मतलब रेजिडेंस चेंज कर दिया ना, और अगर रेजिडेंस में होते फिर आपको भैया सजा लेते हैं। बहुत कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, बहुत है। दिन हुए हमें घर चेंज किए, अभी 5-6 दिन हुए हैं यहां पर आए हैं जस्ट। बहुत अच्छा लगा। हां ये चंडीगढ़ वालों ने भेजी थी तब, जब उसने मंगाया था कि हमें मुझे कुछ भेजो अच्छा साथ ले जाने के लिए। जी जी जी, मोहन दरा चाहते हो सो भाई, फाइनली ये सब चीज़ को फील करने का मौका मिल रहा है, वो भी घर पे, बड़ी बात है। ऑन बोर्ड मिशन SST-107, वाओ। ये उसकी एल्बम है, एल्बम देखो जी। PSLV-C4 ये है ना, यही आवाज पाई गई है। वाजपेयी जी ने उस टाइम प्राइम मिनिस्टर थे, तो उन्होंने ये चीज़ भेंट किया है। क्या बात है, दिस सो ड्रीमिंग यार। ये था ना मिशन, बहुत कुछ है, मिशन कोलंबिया, कुछ है बड़ा, कुछ है पता नहीं। मिशन कोलंबिया किधर रुका होगा, ये है मिशन कोलंबिया, लास्ट फ्लाई। आपको यूट्यूब पे तो सारा वीडियो मिल जाएगा इनका, मिस होगा लेकिन ये आपके मन में पहले भी आए हुए हो। अच्छा अच्छा, पहले मैंने देखा है आपको, कहाँ देखा? तो जो भी यहाँ पे आए इनसे बस जरूर मिले भाई, मतलब बहुत बहुत हंसमजाज आदमी हैं, हंसते रहते हैं और बहुत सारी कहानियाँ इनके पास हैं। धन्यवाद, शुक्रिया, बाय। हो गया आगे बाय, बाय कर दीजिए एक बार, बाय। जल्दी आऊँगा मैं, ठीक है, वापस जल्दी आऊँगा, बाय, थैंक यू। अच्छा लगा मुझे काफ़ी, बाय अंकल, जल्दी मिलेंगे। हम पहुंच गए बाय, यस यस यस, इंडिया, इसरो, जय हिंद, हम पहुंच चुके चांद पे यार।